Assalamu alaikum everyone. Hope you guys are doing well. I welcome you all in the adventurous journey of Python Bootcamp. Today is the last session of Python learning with the data structure and algorithm. From tomorrow, we will switch towards the machine learning. So I hope you guys are excited for that. And you all know that our today's session speaker is Mr. Abdul Jabbar. He's a wonderful speaker. So before starting our meeting, let me tell you some rules that, as you all know, आज हमारा data structure का last day है और आज हमारा quiz भी रखा गया है. तो आप सबने RSVP जरूर करनी है. अगर आप लोग RSVP नहीं करते और आप quiz attempt करते हैं तो आपका quiz जब हम calculations वगैरह करने बैठेंगे तो consider नहीं होगा अगर आप लोग RSVP नहीं करेंगे. ठीक है, तो RSVP आप लोग जरूर कीजिए. एंड सो सर, ओवर टू यू. जी गाइस, उम्मीद है तो ठीक होंगे. कल हमने जो देखा था वो आपको सबको क्लियर ही होगा. तो आज हम ना एक नए टॉपिक के साथ आए हैं. मेरा स्क्रीन शो हो रहा है? समीला? यस सर, इट्स विजिबल. ठीक, यू कैन कंटिन्यू. अब देख लेते हैं. कल हमने डिस्कस की थी डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में कुछ पढ़ लिए थे. अब कुछ बाकी हैं आज के दिन पे. कल हमने डिस्कस की थी डेटा स्ट्रक्चर क्या है, डेटा स्ट्रक्चर के पार्ट्स क्या, यानी सब डिविजन्स जो कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर को. उसके बाद हमने पढ़ लिया था लिंक लिस्ट. के बाद हमने पढ़ा था स्टैक. आज हम पढ़ेंगे क्यू. बेसिकली क्यू क्या चीज़ होता है, अब देख लेते हैं. हमारे पास जो होता है क्यू हमारे पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जो स्टोर करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में. यानी जो आप जो इंसर्ट करते हो लास्ट में वो इंसर्ट होगा, जो आउट करते हो यानी वो फर्स्ट से आउट होगा. जैसे हम क्यू या लाइन जो बनाते हैं उस लाइन में क्या होता है, जो बंदे, फॉर एग्जाम्पल आप लोग ना कभी नादरा ऑफिस गए हो या कहीं ऐसी जगह या टिकट कहाँ खरीद करने जाते हो तो वह क्या करते हो, लाइन बनाते हो. यानी लाइन मकसद तो फर्स्ट जो आया उसे पहले टिकट मिलेगा, फिर दूसरा आया तो उसे लाइन बढ़ता जा रहा है, लास्ट वाला आएगा लास्ट में ही उसको मिलेगा. यानी जितने उससे आगे बंदे हैं उनको टिकट मिलेगा, फिर बाद में दूसरा वो आएगा उसको ही टिकट मिलेगा. यानी क्यों वो चीज़ है, आपके पास नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो स्टोर करते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में. एक मैनर से हम उसे स्टोर करते हैं और रिमूव जब भी करते हैं ना वो फर्स्ट वाला ही रिमूव करते हैं, और इंसर्ट जो भी डेटा करते हैं वो लास्ट में इंसर्ट उसमें होता है. ये हमारे पास क्यू था. अब क्यू के कुछ मेथड्स हैं, अब देख लेते हैं उस मेथड्स को. अब देखें क्यू में कुछ मेथड, स्टैक में कुछ मेथड थे, हमने लिंक लिस्ट में कुछ मेथड बनाए वो डिस्कस किए थे. अब क्यू के मेथड्स देखते हैं. अब क्यू में हमारे पास है इन क्यू, फिर हमारे पास है डी क्यू, फ्रंट रेयर. अब इन क्यू क्या चीज़ करता है, डी क्यू क्या करता है, फ्रंट क्या है, रेयर क्या है, अब देख लेते हैं. इस चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास इन क्यू क्या करता है. जो भी चीज़ आप ऐड कर रहे हो क्यू में, यानी जो चीज़ आप ऐड कर रहे हो या उसमें डाल रहे हो इस कंटेनर में, उस बेस पे हम उसे बोलते हैं इन क्यू. डी क्यू क्या करता है, यानी आप कुछ चीज़ रिमूव कर रहे हो जो कंटेनर में डाला है या उस क्यू में जो चीज़ है उस चीज़ को आप रिमूव कर रहे हो वहाँ से, उसको हम बोलते हैं डी क्यू. फिर आता है फ्रंट. फ्रंट आपको पता होगा, फ्रंट हम कहते हैं जो फर्स्ट में एलिमेंट हो, यानी क्यू का फर्स्ट पार्ट यानी फर्स्ट वाला जो भी एलिमेंट होगा उसे हम बोल लेते हैं फ्रंट. रेयर मींस जो लास्ट में, जो लास्ट इंडेक्स हमारे पास होता है या लास्ट एलिमेंट जो भी होता है उसे हम बोलते हैं रेयर. आप देख लेते हैं थोड़ा इसको. अब देखें क्यू, क्यू में क्या है कि हमने इन क्यू देखा, डी क्यू देखा, फ्रंट और रेयर. अब देखें जब भी हमने डेटा इन क्यू करना है तो हमारे पास क्या होगा, वो लास्ट में इंसर्ट होगा. अब डी क्यू करेंगे तो वो क्या करेगा, फर्स्ट वाले को डी क्यू यानी रिमूव कर दिया. आप देखें इसने ये फर्स्ट वाले को यहाँ से रिमूव कर दिया. फ्रंट हमने देखा था, फ्रंट क्या चीज़ है, बैक, यानी कई कभी इसे बैक भी बोलते हैं या रेयर भी बोल देते हैं. फ्रंट क्या चीज़ है, यानी फर्स्ट वाला जो आपके पास अवेलेबल है. अब देखें हमने डी क्यू कर दिया, ये अब हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ये हमारे पास डिलीट हो गया, उसने ये वाली चीज़ हमें रिमूव कर रिटर्न करके दी है कि आपने ये वैल्यू को रिमूव की है, आप ले लें इस जो भी डेटा था ये वाला. तो उसके बाद अब हमारे पास फ्रंट आ गया. ये अब देखें इन क्यू कर रहे हैं, ये हमारे पास ये जो लाइन है ये अब इंसर्ट नहीं हुआ है, यानी बैक अभी तक हम क्या करेंगे, बैक देखेंगे ना, बैक वाला यही होगा क्योंकि जब तक हम उसमें
इन क्यों नहीं करेंगे, तब तक वो ऐड नहीं होगा और बैक वो डेटा है वो अपडेट नहीं होगा, फिर जो भी ऐड करेंगे वो बैक उसको ट्रैक करेगा, जो यानी डिलीट करेंगे तो फ्रंट उसके बाद वाले को इंडिकेट करेगा। अब देखें ये बेसिकली था क्यू का वर्किंग प्रिंसिपल के क्यू कैसे काम करता है। अब देखें क्यू का मैंने पहले ही आप लोगों को एग्जांपल बताए थे, एग्जांपल कैसे जो आप टिकट लेने जाते हो कहीं किसी मूवी का, आपके पास बहुत ही रश होता है तो वो क्या करते हैं लाइन में खड़ा कर देते हैं। लाइन में क्या होता है कि आपको लाइन में ही खड़ा होता है, जो पहले आता है उसे पहले टिकट मिल जाता है, जो दूसरे नंबर पे उसे उसके बाद ही पहले वाले के बाद ही उसे टिकट मिल जाता है। दूसरी एग्जांपल देखते हैं, अब हमारे पास क्या होता है दूसरी, आप नादरा ऑफिस में जाएंगे ना, अब अपने सिटी की बेस की बात करूं कि कभी कभी रश हो जाता है तब वो क्या करते हैं लाइन में बना देते हैं कि यार लाइन बना दो, कि अब लाइन में ही हम जितने भी कार्ड बनाएंगे उस लाइन के बेस पे जो फर्स्ट आएगा वो फर्स्ट ही क्लियर हो जाएगा, वो लास्ट ही क्लियर हो जाएगा। ये बेसिकली वर्किंग प्रिंसिपल था क्यू का। क्यू क्लियर है तो आगे कर लेते हैं ट्री। ये डेटा स्ट्रक्चर बड़ा ही अहम है डेटा स्ट्रक्चर की पार्ट में ट्री का। अब देख लेते हैं ट्री, अब ट्री में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, ये सारे जो भी चीजें हैं हम ट्री में पढ़ेंगे, जो भी ट्री डेटा स्ट्रक्चर है हमारे पास ट्री। अब देख लें जो हमने पहले डिस्कस की थी वो हमारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर थे, वो चीजें लीनियर ट्री पे। अब देखें ट्री क्या है, ट्री इज लीनियर डेटा सेंस ऑफ वो कनेक्टेड बाय। देखिए मैंने पहले लीनियर नॉन लीनियर हेटरोजीनियस होमोजीनियस ये बताए थे, अब वही चीज, अब ट्री जो है हमारे पास ये नॉन किसी चीज का एक्सेस करोगे जल्दी में उस चीज को एक्सेस कर लोगे, क्योंकि हमारे पास नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इसके लिए ये एम ही है ये याद रख लेना। अब आते हैं के टर्मिनल क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीजें नहीं करते हैं। अब देखते हैं हमने पहले ही बताया था नोड कनेक्टेड है एजेस के साथ, अब हम उन चीजों को देख रहे हैं कि क्या क्या नोड क्या चीज है। नोड की बात किया जाए कि हमने लिंक लिस्ट में नोड बनाए थे, ये भी सेम ही नोड हैं, पर इसमें ये है कि आपके पास दो रेफरेंस पॉइंट होंगे राइट और लेफ्ट के लिए। अब देख लेते चाइल्ड नोड, अब नोड क्या करता है कि ये कंटेन करता है इसी चीज को कि आपके पास जो है किसी ने नोड है उसके बाद वाले नोड उसको कंटेन करता है उस कि आपके पास जितने जैसे होता है ट्री चाइल्ड नोड बनेंगे, नोड जो नोड हम यहाँ यूज करें एजेस, एजेस चीज है वो लिंक कर रहे हैं दो चीजों को आपस में, जो आप नोड एक नोड दूसरे नोड कनेक्शन देते हो उस क्षण को हम बोलते हैं नोड, सॉरी एजेस बोलते हैं उस चीज को। अब रूट जाए, रूट जो होता है हमारे पास टॉप नोड होता है उसी चीज को हम यूज करते हैं। चीजें ऐसे होते हैं कि अब बोलते हैं हाइट ऑफ ट्री, अब हाइट ऑफ नोड, ये चीजों को समझते जाएं, छोटे छोटे चीज हैं पर समझने वाले हैं बहुत ही। कि अब देखिए हमने क्या है कि ये लिखा हुआ है हाइट ऑफ नोड, अब देखिए जो भी हाइट आप देखना चाहते हो उस पर्टिकुलर नोड होगे, फिर क्या सेंटर में आए हैं फिर बोलते हैं हम, अब ना मुझे वो क्या हाइट करेगा रूट से लेकर उस चीज तक जाएगा। अगर आप बोल टी पूरा का पूरा ट्री की हाइट जो देखेंगे ना क्या करेगा वो उस रूट नोड से लेके यानी चीज होता है कि हमारे पास क्या है कि लीफ, लीफ ये होता है जिसके चाइल्ड नोड नहीं होते हैं, चाइल्ड यानी उसके बाद उसके नोड कोई भी नहीं होगा, उसके बाद जितने भी नोड होंगे उसके नाम नल होंगे। जी 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 समीला वॉइस सही नहीं आ रहेगा। हाँ वॉइस सही नहीं है यार, आपका ब्रेक हो रहा है, आप इंटरनेट देखें इशू हो या माइक को देखें।
इशू तो इंटरनेट का तो नहीं है। अब देखिए, और ट्री को फिर से दोबारा समझा दें क्योंकि समझ नहीं आया इनको। ठीक है भाई, सब क्लियर है? अभी तो क्लियर है, अगर ब्रेक होती है तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पेस ठीक है, थोड़ा सा स्लो करें जैसे कि अगर ब्रेक हो भी वॉइस तो इनको समझ आ जाए। ठीक है, मैं ट्री को दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। ठीक वॉइस तो क्लियर है ना मिला? ठीक, जी, अभी क्लियर है बिल्कुल। अब देख लेते हैं ट्री। ट्री बेसिकली क्या है? एक डेटा स्ट्रक्चर ही है जो हमारे पास नॉन लीनियर है, यानी नॉन लीनियर के आपके पास एक्सेस कर सकते हो किसी भी नोड को डायरेक्ट उस नोड पे जाके, यानी सेंटर से करें या लास्ट से करें, फर्स्ट वाला करें, ये हमारे पास नॉन लीनियर में आ जाता है। हायरार्किकल क्या होता है कि उसके पार्ट्स होते हैं, जैसे कि एक चाइल्ड पेरेंट होता है, पेरेंट के चाइल्ड होते हैं, उस बेस पे हमारे पास ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कनेक्टेड है एक आपस में नोड्स के बेस पे। नोड कनेक्टेड है जिसे हम एजेस बोलते हैं, वो आपस में नोड्स को कनेक्टेड करता है। नोड बनाएंगे उस नोड को कनेक्टेड करता है हमारे पास एज, उस एज के बेस पे। अब देखें कि दूसरा ये सेंटेंस है, ये बोलता है कि लाइन के आपके पास जो ट्री डेटा स्ट्रक्चर है ना वो सिंपल इजी है, क्विक एंड इजी एक्सेस, चीजों को जल्दी में एक्सेस कर पाओगे, जितने भी डेटा वो यूज कर रहे हैं उसको जल्दी में एक्सेस करें, क्योंकि हमारे पास नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। नॉन लीनियर का मैंने पहले भी आपको बताया था, वो सीक्वेंस से नहीं होते हैं, यानी फॉर एग्जाम्पल आपने फर्स्ट डाला, वो लाजमी नहीं है कि दूसरा एलिमेंट होगा वो दूसरा ही होगा, ये नहीं है कि उसके बाद दूसरे ब्रांच में भी जा सकता है ट्री में, ये हमारे पास नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अब चलते हैं कि इसके ना टर्मिनोलॉजी, जितने टर्म्स हैं इसमें यूज होते हैं, उन चीज़ों को थोड़ा देख लेते हैं कि जो है हमारे पास क्या है ये। अब देख लेते हैं नोड, हमने बताया कि नोड कनेक्टेड आपस में होते हैं बाय एजेस, एजेस के बेस पे। अब देखते हैं नोड क्या चीज़ है, एजेस क्या चीज़ हैं, अब देखते हैं उस चीज़ को। अब हमारे पास नोड क्या चीज़ है? नोड एज एक कंटेनर है, छोटा सा डमी कंटेनर है। उसमें क्या स्टोर हुआ होता है? वैल्यू, जो आपने वैल्यू रखा, और वो जो की होगा यानी जो पॉइंट कर रहा है दूसरे चाइल्ड नोड को, उससे वो नोड आपस में कनेक्टेड होंगे किस चीज़ से? एज से। ये एज देखिए, एज क्या करता है? कनेक्शन करता है, बिटवीन लिंक करता है दो चीज़ों को आपस में, जो हमारे पास नोड्स होते हैं एक नोड से लेके दूसरे नोड तक, उस कनेक्शन को हम बोल लेते हैं एज। एजेस जो होते हैं हमारे पास उन चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं नोड। अब नोड क्लियर हो गया होगा कि किसी का कोई क्वेश्चन था? नोड नोड जस्ट रेफरेंस है। नोड में क्या चीज़ है? रेफरेंस कर रहे हैं हम एक चीज़ को दूसरे चीज़ के लिए, कि फॉर एग्जाम्पल इस रेफरेंस से आपको यहाँ तक आना है दूसरे रेफरेंस तक, उसे हम नोड बोलते हैं। नोड में हमारे पास रेफरेंस पॉइंट भी है और डेटा पार्ट भी है। जो हमारे पास नोड आपस में कनेक्टेड होते हैं उसे हम एज बोलते हैं, एज के बेस पे उसे कनेक्टेड किए होते हैं। अब दूसरा है हमारे पास रूट। रूट बेसिकली क्या करता है? रूट जो होता है टॉप मोस्ट एलिमेंट, जो हमारे पास फर्स्ट में फर्स्ट एलिमेंट होता है ट्री में, उसे हम बोलते हैं रूट। अब बात किया जाए हाइट की। अब हाइट आप कोई एक ट्री की भी कर सकते हो, पूरे ट्री की, और दूसरे नोड भी, नोड का भी, पार्टिकुलर नोड। फॉर एग्जाम्पल नीचे मैं एग्जाम्पल दूंगा कि आप कोई भी चीज़ की हाइट देख सकते हो, या कोई एक नोड हो, कोई एक नोड हो, या पूरा का पूरा ट्री हो। हाइट क्या चीज़ होती है कि हाइट क्या करते हो, उस नोड से लेके रूट तक आते हो, तो उस चीज़ को आप फाइंड करना चाहते हो उसमें हाइट के कितने नोड्स आए हुए हैं इसमें। अब आते हैं नीचे दूसरे टर्म्स हैं, अब आते हैं इस ट्री के दूसरे। अब डेप्थ ऑफ ट्री, ट्री की डेप्थ देखते हैं, जिस नोड पे आप खड़े हो वो नीचे कितना है, डेप्थ में कितना जा रहा है, जिस नोड के कितने ब्रांचेस है, ब्रांचेस के सब ब्रांचेस, सब ब्रांचेस के और सब ब्रांचेस, उस बेस पे हम बोलते हैं डेप्थ ऑफ नोड्स। फिर उसके बाद हमारे पास होता है हाइट ऑफ ट्री। मैंने पहले बोला था हाइट ऑफ नोड, यानी किसी नोड का आप हाइट फाइंड कर रहे हो। अब दूसरा होता है हाइट ऑफ ट्री। ट्री का मकसद क्या है कि हाइट आप क्या कर रहे हो कि रूट से लेके लीफ नोड तक जा रहे हैं, उस चीज को हम बोलते हैं हाइट ऑफ ट्री। ट्री की हाइट देख रहे हैं। अब हमारे पास आता है डिग्री। डिग्री क्या चीज होता है? डिग्री मीन्स जो आपके पास नोड होता है उसके कितने ब्रांचेस होते हैं, कितने ब्रांचेस होते हैं, कि फॉर एग्जाम्पल अब अगर ट्री की, सिंपल ट्री की बात किया जाए कि आप ट्री को कितने भी ब्रांचेस दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास रूट है, आप उसके तीन ब्रांचेस निकाल सकते हो। अगर बाइनरी ट्री की बात किया जाए कि उसमें सिर्फ दो ही ब्रांच होंगे, ये हमारे पास है हाइट ऑफ डिग्री ऑफ नोड्स की देखी थी। यहाँ तक क्लियर है?
आगे चल देते हैं कि अब आते हैं टाइप पे, ट्री के कितने टाइप्स हैं। अब हमारे पास टाइप तो बहुत सारे भी हैं, इसमें हीप का भी यूज़ करते हैं ट्री में। सिंपल टाइप ये है, हमारे पास बाइनरी ट्री है, बाइनरी सर्च ट्री है, AVL ट्री है। अब इनको डिस्कस कर लेते हैं। अब आते हैं बाइनरी ट्री पे। बाइनरी ट्री क्या चीज़ है? हमने ट्री तो देख ली है, अब बाइनरी चीज़ को बाइनरी ट्री को देख रहे हैं। बाइनरी ट्री इज अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर इन विच ईच पेरेंट नोड हैज ईच पेरेंट नोड कैन हैव एट मोस्ट टू चिल्ड्रेन। यानी आपके पास जो नोड है उस नोड को एटलीस्ट दो ही चाइल्ड होंगे, दो चाइल्ड होंगे उसमें। यानी फॉर एग्जाम्पल जितने भी आप नोड उसमें होंगे ना, उस नोड को ही दो चाइल्ड होंगे, या लेफ्ट हो या राइट हो, उसी बेस पे आपको वो दोनों रखने होंगे। कोई भी हो सकता है उसमें, फॉर एग्जाम्पल एक भी रख सकते हो, कर कहने का मकसद एटलीस्ट दो ही होंगे उस चीज़ को, क्योंकि हम यूज़ ही क्या करते हैं बाइनरी ट्री, यानी उसमें दो ही चीज़ होंगे। दोनों उस चीज़ों को हमारे पास वो दो चीज़ होंगे, क्या होंगे? एटमोस्ट जो हमारे पास एक होता है लेफ्ट चाइल्ड, दूसरा होता है राइट चाइल्ड। यानी एक नोड को लेफ्ट चाइल्ड भी होगा, दूसरा राइट चाइल्ड होगा। ये था बाइनरी ट्री का। अब देख लेते हैं बाइनरी सर्च ट्री। अब हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री क्यों यूज़ करते हैं? ट्री तो हमारे बाइनरी ट्री तो अब हमारे पास आया है। अब देख लेते हैं बाइनरी सर्च ट्री क्या चीज़ करता है। बाइनरी सर्च ट्री वो है हमारे पास सॉर्टेड है। एक तो जो पहले ट्री यूज़ कर रहे थे बाइनरी ट्री, वो हमारे पास सॉर्टेड नहीं था, अब बाइनरी सर्च ट्री। अब देखें एक ही वर्ड हमने चेंज किया, यहाँ क्या सर्च डाल दी है, जिसे हम BST बोलते हैं बाइनरी सर्च ट्री। तो अब हमारे पास ट्री क्या हो रहा है? सॉर्टेड हो रहा है। जो भी ट्री मिलेगा सॉर्टेड होगा, सेम ट्री होगा, उसमें एटलीस्ट मैक्सिमम जो भी होंगे ना टू चाइल्ड होंगे, चिल्ड्रेन होंगे, यानी राइट होगा और लेफ्ट होगा। उसके बाद उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात किया जाए ना, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग ऑफ एन होता है हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री की। जो हम बाइनरी सर्च जो यूज़ करते हैं वही सेम चीज़ यही सेम फंक्शनैलिटी यूज़ करता है बाइनरी सर्च ट्री का ही। अब आते हैं कि बाइनरी ट्री तो है हमारे पास, बाइनरी सर्च ट्री का क्या मकसद है उस चीज़ को देख लेते हैं इस नीचे वाले हिस्से में। कि अब देखें ऑल नोड्स ऑफ लेफ्ट सब ट्री आर लेस देन द रूट नोड। अब देखें रूट नोड से क्या होगा, लेफ्ट वाले चीज़ होंगे ना वो कम होंगे रूट की वैल्यू से, जो कम होंगे वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रूट है 10, तो उसके पास राइट चाइल्ड जो भी होगा ना, सॉरी लेफ्ट चाइल्ड क्या होगा 10 से कम होगा। अब हमारे पास होता है दूसरा ये नोट है कि जो नोड्स है हमारे पास दूसरा, उसमें क्या है राइट सब ट्री क्या होता है रूट नोड से ग्रेटर होता है, उससे ज़्यादा वैल्यू उसमें होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फर्स्ट हमने रूट में रख दिया 10, अब इसकी ना राइट वैल्यू रखेंगे, राइट सब ट्री रखेंगे ना, उसको 10 से ग्रेटर रखेंगे, लेस रखेंगे, तो अब हमारे पास वो चीज़ बाइनरी सर्च ट्री को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखें यहाँ इस चीज़ को देखें। अब फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास ये लेफ्ट साइड पे है और दूसरा राइट साइड पे है। अब देखें एग्जाम्पल इसी चीज़ को, पहले हम लेफ्ट को देख रहे हैं। हमने फर्स्ट जो टॉप मोस्ट नोड है हमारे पास 8 है, उसका सब चाइल्ड है 3 है, 3 के बाद हमारे पास उसका लेफ्ट चाइल्ड है 1, उसके राइट चाइल्ड है 6 का लेफ्ट चाइल्ड 2 है। हमने क्या बोला, जो टॉप नोड होगा उसके लेफ्ट में कम होगा। फिर यहाँ कम है तो ये एरर क्यों दे रहा है, यानी ये गलत क्यों है? देखा जाए इस बात को कि अब ये हमें ये नहीं बोला है कि इसकी पेरेंट सिंपल जो जस्ट उसका पेरेंट है उस चीज़ को देखें, नहीं, उसकी पेरेंट को भी, उस चीज़ की पेरेंट को भी देखना है और उसकी पेरेंट के पेरेंट, यानी हमें रूट नोड तक ही जाना होगा। अब देखें ये है कि अब देखा जाए कि इस 6 से, अगर 6 को हम यहाँ से डिसकनेक्ट करें तो फिर ये वैलिड होगा, क्योंकि 6 से ये 2 जो है ना कम है। अगर देखा जाए रूट नोड को, इस रूट नोड की इसके बाद वाला 3 आता है, 6 का रूट नोड 3 है। देखा जाए 3 क्या है, 3 कम है 6 से, क्योंकि हमने उसकी राइट साइड रख दिया है। अब देखें 2 तो उससे कम है ना, तो हमें ना उस चीज़ को यहाँ नहीं आनी चाहिए, इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं उस बेस पे। अब देखें दूसरी चीज़, अब हम यहाँ इस चीज़ को करेक्ट करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास ये 2 यहाँ नहीं आ सकेगा, 2 को हम एज यहाँ कंसीडर कर सकते थे इस 3 के बाद, क्योंकि इस 3 से 2 कम है तो उसको हम इसकी यानी लेफ्ट चाइल्ड कर सकते थे। उसके बाद हमारे पास इस एग्जांपल को देखें कि ये एग्जांपल में क्या हो रहा है। इसमें देखें ये हमने 4 रखा है,
देखा जाए कि 4 इससे ग्रेटर है, ठीक है, ये अब हमारे पास सेटिस्फाई हो रहा है कि आप इस चीज को रख सकते हो ग्रेटर वाले चीज में, क्योंकि हम इस चीज को देखेंगे यहाँ ग्रेटर वाला चीज रखा है तो लाजमी है कि वो वाली चीज इससे ग्रेटर हो, यहाँ जो रखोगे उस बेस पे ये रखा हुआ, ये क्लियर है एग्जाम्पल्स दोनों, ठीक है। अगर किसी एक का सवाल है ग्रीडी सर्च, आप देखिए ना सर्च अल्गोरिथम देखा जाए, सर्च सिंपल सर्च है बाइनरी और लीनियर सर्च, अब अल्गोरिथम जो भी यूज कर सकते हो कोई भी ग्रीडी हो ए स्टार हो जितने भी अल्गोरिथम है हमारे पास आप यूज कर सकते हो, इसमें क्यों नहीं कर सकते हो, ये सिंपल से अल्गोरिथम है इनकी। आगे चल लेते हैं, अब हमारे पास आ जाता है एवीएल ट्री, एवीएल ट्री को देख लेते हैं, एवीएल ट्री क्या होता है, अब हमारे पास ये होता है सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री, इस चीज को देख लेते हैं सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी ट्री, जिसमें हमारे पास बैलेंस फैक्टर होता है, यानी अब बैलेंस फैक्टर क्या चीज होता है उसको भी डिस्कस करेंगे, अब बैलेंस फैक्टर जो नोड्स के ऊपर होंगे अब हमारे पास वो बैलेंस क्या होगा, माइनस वन भी रख सकते हैं, वन भी हो सकता है, प्लस वन भी हो सकता है। अब देखें एवीएल ट्री का नाम, असल में ये दो साइंटिस्ट थे, रशियन साइंटिस्ट, इन दोनों ने एवीएल ट्री बनाया, ये मैथमेटिक्स साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने इस चीज को बनाया है एवीएल ट्री को, जो बैलेंसिंग कर रहा है सेल्फ बैलेंसिंग, जिसके बेस पे के राइट और लेफ्ट के बेस पे जो ट्री सब ट्री बन रहा है उस बेस पे उस चीज को बैलेंस कर रहा है ऑटोमेटिक अल्गोरिथम, ऐसे यूज कर रहे हैं कि उस चीज को वो हैंडल कर रहा है। अब देख लेते हैं कि सेल्फ बैलेंसिंग क्या चीज है, यानी सेल्फ बैलेंसिंग मीन्स बैलेंस फैक्टर, अब देखेंगे बैलेंस फैक्टर क्या करता है, कि बैलेंस फैक्टर ऑफ अ नोड इन एन एवीएल ट्री इज अ डिफरेंट बिटवीन द हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री एंड दैट ऑफ द राइट सब ट्री। अब देखें ये क्या कर रहा है कि आपके पास डिफरेंस दे रहा है हाइट ऑफ राइट सब ट्री और लेफ्ट सब ट्री, जितने अब नोड यानी अब रूट नोड को देखा जाए उस रूट नोड के बेस पे उसके राइट सब ट्री कितने होंगे और लेफ्ट सब ट्री कितने होंगे, अब उसका एक फार्मूला है कि अब हमारे पास बैलेंसिंग फैक्टर क्या चीज़ है वो तो हमने यहाँ डिस्कस कर ली, उसके बाद हमारे पास है इसका फार्मूला, जैसे कि हमने पहले दिखाया था कि बैलेंसिंग फैक्टर क्या होगा, या तो माइनस वन होगा या वन होगा या जीरो होगा, अब उसका फार्मूला ये है कि आपके पास क्या करेंगे जिस नोड का आप फाइंड करना चाहते हो तो उस चीज का क्या करोगे हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, अब देखेंगे हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, या इसके अलावा दूसरा ये एग्जांपल है हाइट ऑफ राइट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, तो इस बेस पे ये चीजें आती हैं। अब देखें ये यहाँ माइनस वन आ रहा है, इस चीज की देखा जाए कि आप देखें इस चीज की हाइट क्या होगी, ये एक वन और टू, यानी राइट सब ट्री हमारे पास क्या है दो नोड्स हैं, तो हम क्या करेंगे अगर फर्स्ट वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे कि उस चीज पे तो ये माइनस रखेगा, अगर सेकंड वाला चीज रखेंगे तो वो प्लस वन में आ जाएगा, यानी आप वैलिड है ये भी चीजें, यानी एक चेंज करने में जो हमारे पास लेफ्ट सब ट्री को राइट में चेंज कर सकते हो, फिर भी हमारे पास जो बैलेंसिंग फैक्टर वाला चीज आएगा या तो वन आएगा या माइनस वन आएगा या जीरो आएगा, आप यहाँ कोई भी यूज कर सकते हो कोई भी एक फार्मूला इसमें, ये था हमारे पास बैलेंस फैक्टर। अब आते हैं ट्री के बेस पे, थोड़ा तो इसको देख ली है कि अब देखा जाए ना एक का सवाल है जो एवीएल ट्री है उसका फुल फॉर्म क्या है, अब देखें ये साइंटिस्ट है जॉन एडल्सन, ये दोनों साइंटिस्ट थे, ये इनका नाम है, अब देखें ये ए इसका उठाया गया है, वी ये वाला चीज और उसका एल इसके नाम दे दिया गया है एवीएल ट्री, इस बेस पे ये है उसका नाम। अब आगे चल देते हैं, अब हमारे पास ट्रेवर्सिंग आ जाता है, अब ट्री को कैसे ट्रेवर्स करें, अब ट्री को आउटपुट देखें तो कैसे देखें, अब ट्री तो हमने बना लिया, एक ट्री का ट्री डेटा स्ट्रक्चर बन गया, अब उसको चेक करें कैसे इसकी स्ट्रक्चर है, इसकी आउटपुट क्या हमें हो रहा है, जस्ट हमने तो जस्ट कुछ वैल्यू एड करते गए, अब उस चीज़ों को ट्रैवर्स करें, चेक करें कि क्या क्या ट्रैवर्स हो रहा है, कि अब हमारे पास तीन टाइप क्या होते हैं, इन ऑर्डर ट्री ट्रेवर्सल, प्री ऑर्डर ट्री ट्रेवर्सल, पोस्ट ऑर्डर ट्री ट्रेवर्सल, उसके बाद होता है लेवल ऑर्डर। लेवल ऑर्डर क्या होता है, लेवल के बेस पे उस चीज को हैंडल करता जा रहा है लेवल बाय लेवल, फर्स्ट रूट पे आएगा, रूट के बाद दूसरे लेवल पे आएगा, फिर तीसरे लेवल पे आएगा, ऐसे लेवल लेवल बाय लेवल आता जाएगा। अब देख लेते हैं इस चीज़ों को क्या होते हैं, अब देखें कि अब हमारे पास क्या है इन ऑर्डर ट्री ट्रेवर्सल, इन ऑर्डर ट्री ट्रेवर्सल में क्या होता है कि हमारे पास फर्स्ट, अब देखें इन ऑर्डर, इन मीन्स
इन हमने रख दिया इन ऑर्डर, तो बीच में रूट आएगा। अब ये ट्रिक्स समझते जाएं इन चीजों को ट्रेवर्स करने का। अब हमने क्या अब यूज करें इन ऑर्डर ट्री ट्रेवर्सल, तो अब क्या होगा कि रूट होगा ना मिडिल वन होगा। अब तीन चीजें हैं हमारे पास एक नोड में, एक राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट और जो नोड होगा रूट होगा वो इस बेस पे हम ट्रेवर्स कर रहे हैं। अब देखें ये इसका लॉजिक है सिंपल इस डायग्राम में, वो नीचे दूसरा डायग्राम होगा उसमें भी वो मैं फुली समझा दूंगा कि ये कैसे ट्रैवर्स हो रहे हैं। अब देखिए फर्स्ट हमारे पास स्टेप क्या होगा कि ट्रैवर्स जो भी करोगे ना फर्स्ट लेफ्ट सब ट्री को करोगे, उसके बाद सेकंड स्टेप होगा कि रूट होगा, फिर उसके बाद थर्ड स्टेप होगा कि राइट सब ट्री, यानी राइट सब ट्री जो भी होगा उस चीज को आप ट्रैवर्स करेंगे। ये अब हमारे पास था इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। उसके बाद आते हैं प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। प्री मीन्स फर्स्ट, जैसे प्री यूज करते हैं प्री ऑर्डर, प्री मीन्स फर्स्ट, फर्स्ट तो मीन्स रूट अब हमारे पास फर्स्ट में आ जाता है। पहले था इन, इन मीन बी बिटवीन वाला, इन इन मैंने यूज करते हैं बिटवीन में, तो उस बेस पे वो उनके बीच में आ जाता था लेफ्ट और राइट के। और अब हमारे पास है प्री ऑर्डर, प्री मीन्स फर्स्ट, तो उस बेस पे अब हमारे पास रूट क्या आ रहा है फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, फिर उसके बाद लेफ्ट सब ट्री, फिर उसके बाद राइट सब ट्री, उसको ही आइटरेट करते जाएंगे ऐसे जैसे इस डायग्राम में शो हो रहा है। उसके बाद हमारे पास तीसरा है पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है कि अब देखें जैसे नाम के बेस पे जाएं, पोस्ट मींस लास्ट वाला, पोस्ट मींस पीछे वाला, लास्ट वाला, बैक वाला, उस चीज को देखें। अब यहाँ हो रहा है लास्ट वाला, लास्ट में अब रूट की बात किया जाए कि रूट अब लास्ट में आ जाता है। अब इसको ट्रेवर्स करेंगे तो फर्स्ट हम क्या करेंगे लेफ्ट नोड पे जाएंगे, लेफ्ट सब ट्री पे जाएंगे, फिर राइट सब ट्री पे जाएंगे, फिर उसके बाद हम उसके बाद आएंगे रूट नोड पे, जो रूट नोड है असल में उस चीज को ट्रैवर्स फिर करेंगे। अब आते हैं इन तीनों के एग्जांपल्स में। अब देखेंगे एग्जांपल, अब आते हैं फर्स्ट एग्जांपल आता है प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर जो हमारे पास ये ब्लू डॉट्स है, जब भी आप ट्री को यूज करेंगे ना ट्रैवर्स करने के लिए, तो अब क्या करेंगे, हमने पहले ही डिस्कस की है प्री ऑर्डर में क्या होता है कि रूट फर्स्ट आ जाता है, फिर उसके बाद राइट, सॉरी लेफ्ट, फिर राइट, ऐसे आता है। फिर इन में क्या होता है रूट मिडिल में आ जाता है, पोस्ट में क्या होता है लास्ट में रूट आ जाता है। तो इसको अब ट्रैवर्स करें इस ट्रिक के बेस पे कि ट्रैवर्स कैसे किया जाए, नहीं तो हम बोलते यार इस नोड पे आए हैं इसको कर लें, इसको कर लें, किस चीज को कर लें। स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट डाइवर्ट हो जाते हैं इस चीज पे कि ट्रैवर्स अब कैसे करें। अब हमारे पास ट्रैवर के तो मेथड हैं, एक प्री है, दूसरा इन है, तीसरा पोस्ट है, ये तो हमने पढ़ लिए, अब करें कैसे इस चीज को। अब हम एक ट्रिक के बेस पे इन चीजों को कर रहे हैं, जस्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे आप एक मिनट में उसका आंसर निकाल सकते हो इस चीज को। देखें अब देखें क्या होता है प्री, प्री मीन्स फर्स्ट, इस रेड नो यानी ब्लू डॉट को देखें, ब्लू डॉट क्या कर रहा है यानी इस चीज के लेफ्ट साइड में है, यानी जो भी हमारे पास नोड है उस नोड के लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड जो भी है उसमें वो डॉट लगाए हुआ है, उसमें हमने इसको यहाँ फिट कर दिया इस नोड में। फॉर एग्जाम्पल अपने अंडरस्टूड के खातिर कि अब हम इसको जस्ट ट्रिक के बेस पे कैसे कर रहे हैं इसकी ट्रेवर्सिंग। अब देखें हमने क्या किया, फिर पहले देखा जाए कि प्री में फर्स्ट रूट देखते हैं, फिर उसके बाद लेफ्ट देखते हैं, फिर राइट देखते हैं। अब देखें ये सारे अब इस चीज पे आए, ये रूट है, अब फिर आए हैं इस चीज पे, उस रूट के बाद लेफ्ट पे, फिर उसके बाद अब ये हमारे पास रूट हो गया क्योंकि हमने इसकी लेफ्ट देख ली है, लेफ्ट सब ट्री पे आए हैं, फिर उसके बाद देखेंगे फिर से अब हमारे पास इसके भी सब ट्री हैं यानी चाइल्ड हैं, तो फिर उसके बाद देखेंगे इस चाइल्ड पे जाएंगे। अब चाइल्ड ये था, उसके बाद ये तीर के बेस पे ये निशान दिखाई दे रहे हैं ना, ऐसे फॉलो करते जाएं, आपके पास जस्ट एक मिनट में आप उसकी ना ट्रैवर्सिंग कर सकते हो किसी भी ट्री की। अब देखिए फर्स्ट हमारे पास ए बी डी एच आई, ये सारा ट्रैवर्सिंग हो गया। फिर आता है हमारे पास इन ऑर्डर, इन ऑर्डर को कैसे करते हैं। अब देखें इन ऑर्डर जो हमारे पास ये नोड है, इस नोड के बिल्कुल ही नीचे नीचे ये ग्रीन जो डॉट है इस क्या देखा जाए कि इन ऑर्डर में क्या होता था, फर्स्ट हम ट्रैवर्स किस चीज को कर रहे थे यानी लेफ्ट को कर रहे थे, फिर उसके बाद रूट को कर रहे थे, फिर राइट को कर रहे थे। ऐसे करते करते हमें ना कोई बड़ा सा ट्री हो तो टाइम बहुत ही लग सकता है, उसके बाद हमने ना ट्रिक्स यूज किए हैं ये साइन को ट्रैवर्स करने के लिए। अब देखें इस चीज को जब भी स्टार्ट करेंगे ये वाली चीज यहाँ से स्टार्ट, अब ये नहीं चल रहा है, अब देखिए यहाँ से स्टार्ट होंगे फर्स्ट, यानी स्टार्टिंग पॉइंट वही चीज है। अब देखें कि यहाँ से ये टच नहीं हो रहा है इस चीज को, ये टच नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, यहाँ टच हुआ तो हमने एच रख दिया है। अब देखें यहाँ एच आ गया, उसके बाद ये वाले लाइन फिर डी को टच हो रहा है, यानी अब देखें
कि सेटिस्फाई ये हो रहा है या नहीं। तो हमने क्या बोला था कि इन ऑर्डर में क्या चीज़ होता है कि फर्स्ट आपके पास होता है कि आप ना उसके किसी भी ट्री के बेस पे रूट के ना लेफ्ट पे फर्स्ट जाओगे, फर्स्ट लेफ्ट। अब देखें इस डी के लेफ्ट हमारे पास एच आ जाता है, हमने ना एच को कर लिया ट्राइवर्स, एच अब हमारे पास आ गया है। फिर उसके बाद डॉट, ये लाइन हमारा टच हो रहा है इस ग्रीन पॉइंट डी को, क्योंकि लेफ्ट के बाद हम रूट पे फौरन चले जाते हैं इन ऑर्डर में। तो फिर ये रूट डी वाला रख दिया, ये ऐसे टच करता जा रहा है जितने भी नोड्स हैं ट्राइवर्स होते जाएंगे, ये देखें। फिर उसके बाद अब इसकी ये वैल्यू अब आ गई है, जस्ट आपने ना एक मिनट में इसको जस्ट कर लिया, रेप अब हो गया है इसके। अब आते हैं इस चीज़ को कि अब हमारे पास पोस्ट ऑर्डर है कि पोस्ट ऑर्डर को कैसे आप ट्राइवर्स करेंगे। अब पोस्ट में क्या होता है कि पोस्ट में हमारे पास है फर्स्ट लेफ्ट राइट फिर रूट। अब देखें हमने यहाँ क्या कर दिया है कि जो ये नोड बना हुआ है उस नोड के राइट साइड हमने ये रेड लाइन डॉट लगा दी है, इस रेड डॉट को ट्रैक करेंगे। अब देखिए हमने यहाँ से स्टार्टिंग कर ली है अपने नोड की, यहाँ से ट्रैकिंग कर रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं यहाँ यहाँ, अब हमें एच पे आ गए हैं। एच की बात किया जाए कि अब हमारे पास क्या चीज़ होता है, फर्स्ट फर्स्ट देख लेते हैं हमारे पास है पोस्ट ऑर्डर में लेफ्ट। अब देखें अब डी हमारे पास ये हो गया एक रूट नोड है समझो, जो एच और आई का पेरेंट नोड है, तो उसको ड्राइवर्स कर रहे हैं अब पोस्ट ऑर्डर के बेस पे। अब उसकी डॉट का यहाँ टच हो रही है, तो फर्स्ट हमने ये एच रख दिया, उसके बाद इसको टच नहीं हो रहा है डी को। फिर उसके बाद अब हमारे पास आई आ जाता है, यानी फिर वो आई को टच कर रहा है, तो उस बेस पे हमने आई रख दी है। यानी ऐसे ही ये ट्राइवर्स करता जाएगा जहाँ हमारे पास ये रेड नोड को यानी ये पॉइंट करता जाएगा, उस चीज़ को हम वहाँ रखते जाएंगे। बेसिकली ये ट्रिक्स सबको क्लियर है कि ट्राइवर्स कैसे किया जाए इन चीज़ों को। ठीक है आगे चल लेते हैं। अब देखेंगे हमने ना डेटा डी ट्री डेटा स्ट्रक्चर तो यूज़ कर लिया। ट्री डेटा स्ट्रक्चर किस लिए यूज़ करते हैं, फ़ायदा क्या है इस चीज़ का, अब उसकी यूजेज देख लेते हैं। यूजेज समझ लो, एप्लीकेशन समझो जो भी। अब ट्री को देखा जाए ना, ये हायरार्किकल डेटा टाइप जो स्टोर करते हैं चीज़ों को एक हायरार्किकल डेटा में, उसे हम बोलते हैं डी। अब देखें फॉर एग्जाम्पल लाइक कि जो आप किसी फोल्डर को स्ट्रक्चर कर देते हो, किसी फोल्डर स्ट्रक्चर को देखा जाए, आप अपने विंडोज़ पे जाएं या लिनक्स पे जाएं, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को देखा जाए, वो क्या करते हैं फोल्डर के अंदर दूसरा सब फोल्डर ये ऑर्गेनाइज किए हुए हैं, या XML या HTML कि आप देखें कि टैग यूज़ कर रहे हो कि आप फॉर्म बनाने के लिए, कि उसका के टेबल बनाने के लिए, जब टेबल का करोगे तो उसका यानी हेडिंग कौन सी होगी, उसकी बॉडी कौन सी होगी, उसके बेस पे आप यूज़ करते हो उस चीज़ को। अब ये हमारे पास ये चीज़ आता है। दूसरा एग्जांपल है इसका कि सर्च, जब भी सर्चिंग करते हैं, इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, ये सारे चीज़ ना इसमें फास्ट हो जाते हैं, जल्दी होते हैं ट्री पे, क्योंकि हम किसी भी सर्च, अब देखिए ना बाइनरी सर्च यूज़ करते हैं इस ट्री, उस ट्री के पे सर्चिंग करता है, इंसर्शन भी वही करता है। बाइनरी सर्च ट्री क्या करता है कि जहाँ भी एलिमेंट को इंसर्ट करना होगा उस बेस पे रूट नोड से होते हुए चेक करता जाएगा, रूट नोड को फर्स्ट चेक करेगा, अगर रूट नोड से वो ग्रेटर है तो राइट में चला जाएगा, लेस है तो लेफ्ट में चला जाएगा, ऐसे ही बेस पे चला जाएगा। उसके बेस पे हमारे पास इंसर्टिंग डिलीशन ये सारे सिंपल जस्ट में हो जाते हैं, जस्ट सेकंड में हो जाते हैं हमारे पास। दूसरा एग्जांपल कंप्यूटर का जो मैंने फाइल सिस्टम आपको बताया था, फाइलिंग, जो आपके पास डायरेक्टरीज होते हैं, ये हमारे पास एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर के बेस पे यूज होते हैं। क्लियर ये यूजेज भी। अब चलते हैं ग्राफ पे, तो ग्राफ क्या चीज है। अब हमने ट्री भी क्लियर कर दी है, उसके बाद हम ना ग्राफ को देख रहे हैं। ग्राफ है हमारे पास, ग्राफ क्या है, ग्राफ आर कॉम्प्लेक्स, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है पर कहने का मकसद इतने सिंपल ही हैं। जो हमारे पास ग्राफ होता है वो भी नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैं। पहले अब देखे देखा था जो हमने पढ़ा था ट्री को, ट्री भी हमारे पास क्या था, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर था। अब इसको हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ वर्टेक्स कनेक्टेड बाय एजेस, इसमें भी कुछ टर्म्स होते हैं, जो वर्टेक्स होते हैं वो एज के बेस पे कनेक्टेड होते हैं आपस में। जैसे कि आप देखें ये अब हमारे पास ये ज़ीरो है, उसके बाद है ज़ीरो के बाद कनेक्टेड है वन से, वन और ज़ीरो कनेक्टेड है टू से, और ज़ीरो कनेक्टेड है थ्री से। अब देखा जाए कि ट्री और ग्राफ में क्या फ़र्क है, इस फ़र्क को थोड़ा देख लेते हैं, फिर आते हैं इस चीज़ पे। अब देखेंगे ट्री के बेस पे जैसे हम ग्राफ बना रहे हैं कि आप देखें ग्राफ में होता है कि वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, यानी चाइल्ड ऑफ चाइल्ड कनेक्टेड होते हैं,
ट्री में ऐसे नहीं होता है, ये याद रखना। जो चाइल्ड है ना वो चाइल्ड आपस में कनेक्टेड नहीं होते हैं, यानी किसी नोड का, रूट नोड का चाइल्ड जो भी होंगे लेफ्ट और राइट ना, वो आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे, वो ट्री में वो कनेक्टेड नहीं होंगे, बाकी ग्राफ में ये कनेक्टेड हैं। अब देखिए ये एग्जांपल, ये चाइल्ड नोड थे आपस में भी कनेक्टेड है, वन और टू। ये था हमारे पास डेटा, ग्राफ डेटा, ये कलेक्शन ऑफ नोड्स है जो कनेक्टेड है आपस में एजेस के, वर्टेक्स के बेस पे, ये भी समझो एक नोड है। अब देख लेते हैं इसके टर्म्स कौन कौन से यूज होते हैं इसमें। अब देखें, हमने डिस्कस किया था वर्टेक्स, एज, फिर उसके बाद हम देख लेंगे वेट क्या है, अनवेटेड क्या है, डायरेक्ट क्या है, अनडायरेक्टेड क्या है, उस चीज़ को देख लेते हैं। वर्टेक्स क्या चीज़ है? वर्टेक्स वो चीज़ होता है हमारे पास जो ग्राफ में, हम क्या करते हैं, वर्टेक्स आर एंटिटी इन द ग्राफ, जो ग्राफ की वैल्यू है, यानी जैसे नोड बना रहे हैं उस चीज़ को वर्टेक्स बोलते हैं, यानी उसमें कुछ वैल्यू असाइन हुआ होगा, कोई भी वैल्यू आप उसमें रख सकते हो, कैसा भी वैल्यू हो। फॉर एग्जाम्पल आप सिटी भी रख सकते हो, ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, उस नोड में सिटी के नेम्स भी रख सकते हो, कुछ भी उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप सिटी के बेस पे सिटी रखना चाहते हो, या किसी चीज़ की, जैसे कि आप फेसबुक में कनेक्शन देखते हो, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड, इसी बेस पे वो ग्राफ भी यूज़ करते हैं। फिर आता है एज, एज क्या करता है, इस वर्टेक्स को आपस में कनेक्टेड करता है, जो वर्टेक्स आप बना रहे हो उस वर्टेक्स को ये कनेक्शन देता है इनको, कि आपके पास है, इन चीज़ों को कनेक्ट करते जाएं, यानी जो वर्टेक्स को फिर एज के साथ, फिर दूसरा वर्टेक्स वो कनेक्टेड होंगे आपस में एज के साथ। एज यहाँ क्या करता है, जैसे हम ट्री में करते हैं वो कनेक्शन, सेम ही चीज़ ये कनेक्शन करता है दो वर्टेक्स के, दो वर्टेक्स को आपस में। अब आते हैं वेट, वेट क्या चीज़ होता है, उसमें कुछ कॉस्ट होता है, यानी जो वर्टेक्स है उस वर्टेक्स को कॉस्ट होता है एक वर्टेक्स से लेके दूसरे वर्टेक्स पे, जो यानी वैल्यू अब हमारे पास हो जाता है इस चीज़ का, कि जो वर्ट यानी एज यूज करते हैं उस एज के बेस पे जो डिस्टेंस यूज करते हैं एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक, वो अब हमारे पास वो चीज़ हो जाता है वेट। वेट यानी उस पर कुछ कॉस्ट होगा, जैसे कि इस एग्जाम्पल को देखा जाए कि फर्स्ट एज वाले को, इसमें देखें इसमें कोई भी वेट नहीं है, यानी ये अनवेटेड है, या अगर देखा जाए वन से लेकर टू में कितना डिस्टेंस आ रहा है हमें पता नहीं है, यहाँ उसने हमें ना ये अनवेटेड ग्राफ दिया था। अब देख लेते हैं वेट, तो अब हमारे पास वेट यानी कुछ कॉस्ट होगा इनके बीच में। अब अनवेटेड वो चीज़ होता है कि आपके पास ना इस वैल्यू पे यानी कॉस्ट नहीं होगा, यानी जो वर्टेक्स आपस में दो भी कनेक्टेड होंगे उसमें कॉस्ट नहीं होगा, जो हमने पहले एग्जाम्पल अभी देखा उसमें जैसे था। फिर आ जाता है डायरेक्टेड, यानी डायरेक्टेड में क्या चीज़ होता है कि आपको डायरेक्ट डायरेक्शन दे देता है कि आप ना इस वर्टेक्स से जाएंगे इस वर्टेक तक, यानी बैक ट्रैक नहीं कर सकते हो फिर उस वर्टेक्स को अगर फिर उसके बाद आ जाता है अनडायरेक्टेड, अनडायरेक्टेड में क्या कर सकते हो आप वेट के बेस पे, यानी वर्टेक्स जो यूज करते हो एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स, उस चीज को बैक ट्रैक कर सकते हो आप। यानी एक एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं। अब देखें ये, अब हमारे पास ये ग्राफ की कुछ एग्जाम्पल्स हैं के ग्राफ में कौन कौन से एग्जांपल यूज हो। अब देखें हमने बात की थी वेट, अनवेटेड, डायरेक्ट, अनडायरेक्टेड, वो चीज़ों को अब क्लियर कर देते हैं। अब देखें फर्स्ट से आप देख देते हैं, ये जो है हमारे पास ये डायरेक्शन शो करता है, एरो है इसमें कि ए वन से लेकर फाइव तक, यानी ए से वे पॉइंट करा है फाइव को, यानी ये डायरेक्शन बताता है कि आप ना वन से फौरन चलना जाओगे ना आप क्या कहाँ जाओगे फाइव तक, यानी फाइव पे मूव होंगे। अब फाइव के बेस पे आप बैक ट्रैक नहीं कर सकते हो इस चीज़ को, यानी फाइव से आप वन तक नहीं जा सकते, क्योंकि हमने ना पहले इस चीज़ को डायरेक्टेड कर दिया है, आप डायरेक्शन फॉलो ही करना है आप चीज़ को यहाँ। फिर जैसे कि ये डायरेक्शन हो गया, अब आते हैं इस चीज़ पे कि अनडायरेक्टेड। अब देखिए ये चीज़, अब वन से है, अब हम यहाँ रूट नोड, अब हमारे पास वन है, वन से हम एट पे जा सकते हैं, वन को वन से हम नाइन पे जा सकते हैं, वन के बाद हम टू को भी जा सकते हैं, तो इसमें क्या होता है बैक ट्रैक, यानी हम टू के जो टू नोड है ना टू के बेस पे हम वन पे भी जा सकते हैं, क्योंकि इसमें अनडायरेक्टेड है, इसमें डायरेक्शन नहीं है गिवन हमें, यानी एरो नहीं शो कर रहा है। अगर एरो शो करेगा तो आपके पास डायरेक्शन होगा कि आपको जस्ट उसी डायरेक्शन में जाना है। फिर आते हैं वेटेड, अब चीज वेट की बात किया जाए कि अब हमारे पास ये वैल्यू जो है इस आपस में वर्टेक्स को कनेक्टेड कर किए थे एज के बेस पे, अब एज के ऊपर ये वैल्यू है चार आठ है सात है, अब देखिए वन से लेकर टू तक जो जितना अब हमारे पास ये वेट है यानी कॉस्ट है इस पे। फॉर एग्जाम्पल आपको ना लाड़काना से लेकर कराची जाने तक कितने किलोमीटर आ रहे हैं वो कॉस्ट शो करेगा आपको कि आपके पास ये वेटेड है, यानी वेट शो कर रहा है किसी चीज़ का। फिर आता है अनवेट,
अनवेट में क्या होता है कि आपके पास ये जो वेट है यानी जो भी वैल्यू होता है आपके पास डायरेक्शन के बेस पे वो शो नहीं करता है। ये था ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर, ये क्लियर है? इसमें किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लें। भाई डेटा स्ट्रक्चर बोरिंग नहीं है, एक्चुअली आप थोड़ा बहुत समझ लेंगे ना ये बिल्कुल ईजी है, कुछ भी इसमें बोरिंग चीज ही नहीं है ऐसे। बस स्टूडेंट को बहाना मिल जाता है, कुछ चीज़ देख लेते हैं यार ये ना पले नहीं पड़ेगा हमें, तो इस बेस पे बोल लेते हैं कि ये थोड़ा ना हैवी हो जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसकी एप्लीकेशंस। अब हमने ना ग्राफ पढ़ ली है, ग्राफ की एप्लीकेशन क्या होते हैं? आप ग्राफ को नेटवर्क बेस पे भी, कम्युनिकेशन के बेस पे यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कनेक्शन के बेस पे, राउटर की बात किया जाए कि एक राउटर यानी नेट से कहाँ कनेक्टेड है, दूसरा राउटर उस नेटवर्क पे कहाँ कनेक्टेड है, इस बेस पे उस चीज़ को ग्राफ के थ्रू हम उसे करते हैं यूज़। अब हमारे पास दूसरा होता है एग्जांपल है कि ग्राफ जो है ज्योमेट्रिकली बेस पे हम मैथमेटिक्स में ग्राफ को भी यूज़ करते हैं। अब दूसरा होता है वेटेड ग्राफ जो है हमारे पास है कनेक्शन के बेस पे, किसी चीज़ को कनेक्शन दे देते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था, देखा जाए कि नेटवर्क की बेस की बात किया जाए या आपस में ये सिटी के बेस पे डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल मुझे ना अब लारकाना से जाना है जामशोरो, तो वहाँ तक कितने किलोमीटर होगा, फिर जामशोरो से लेके हैदराबाद तक कितने किलोमीटर होगा, ऐसे ही यानी जिस चीज़ पे होगा ये हमारे पास ये आपको बता दे डायरेक्शन वेटेड ये चीज़ें होती हैं। अब दूसरा बात किया जाए कि कनेक्ट यानी फेसबुक में जो चीज़ें होती हैं फ्रेंड, आप फ्रेंड देख लेते हो किसी प्रोफाइल में चले जाते हो यार बोलते हो म्यूचुअल फ्रेंड है, तो ये क्या है, ये आपस में कनेक्टेड हैं एक दूसरे से कि आपके पास ये फ्रेंड है इसका भी ये फ्रेंड है। ये यूजेज था ग्राफ का, अगर कोई सवाल हो तो पूछ ले, नहीं तो हम कोड पे स्विच कर रहे हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं अब इसका कोड के, अब हमारे पास कोड क्या है इस चीज़ का। देखिए हमने ना पहले डिस्कस की थी क्यू का कोड, देख लेते हैं। मैं थोड़ा इसको जूम इन कर देता हूँ ताकि थोड़ा ये, अब देखिए इस चीज़ को जो हमने क्यू देखा था, अब क्यू में कुछ मेथड्स देखे थे जैसे कि एमपीटी मेथड भी कर सकते हो आपस में, इन क्यू देखा था, डी क्यू देखा था, टॉप यानी टॉप मोस्ट जो भी एलिमेंट होगा क्यू में वो चीज़, फिर उसके बाद साइज के क्यू की कितनी साइज़ है उस कंटेनर में जितने भी हम डेटा स्टोर करें। अब देखें ये सिंपल में जैसे आपने ना लिस्ट यूज़ किया ना, उस लिस्ट के बेस पे हम क्यू को यूज़ कर रहे हैं। लिस्ट आप लिस्ट जैसे यूज़ कर सकते, कोई बोला था ना यार डेटा स्ट्रक्चर बड़ा डिफिकल्ट, अब देखें जस्ट आपने बेसिक पाइथन में लिस्ट पढ़ लिया, उस लिस्ट के बेस पे हम क्यू को बना रहे हैं। अब ये क्यू का हमने यहाँ ये अब हमारे पास है एक स्पेशल मेथड्स जो होते हैं इनिट उस चीज़ को, उसके बाद हमने ये चीज़ क्या किया है कि एमपीटी में क्या चीज़ होता है, यानी आपके पास जब भी आपके पास क्यू जो हमने यहाँ क्यू का लिस्ट बनाया था, लिस्ट अगर नल होगा यानी उसमें कुछ वैल्यू नहीं होगा। जी इट्स द नमाज टाइम, शैल वी कंटिन्यू आवर रिमेनिंग सेशन आफ्टर द नमाज? ठीक है सर। Guys, you have only 15 minutes. We will continue our session after 15 minutes at 8:30 p.m.
अस्सलाम वालेकुम, सो होप यू गाइस आर हियर. सर आर यू देयर? यस यस सर, यू कैन कंटिन्यू. थैंक यू. ठीक, तो हमने ना बेसिक पढ़ ली थी थ्योरी, अब आते हैं इस कोड पे कि हमने ना पहले डिस्कस किया था क्यू, अब क्यू की कोड को देख लेते हैं. जैसे कुछ मेथड हमने डिस्कस किए थे क्यू के, अब क्यू के कोड है ये. सिंपल में देखें, एक एक लाइन, दो दो लाइन का कोड है, सिंपल है. कुछ स्टूडेंट कोई बोल रहा था यार डेटा स्ट्रक्चर बड़ा ही डिफिकल्ट है, हमें समझ नहीं आ रहा. देखें, दो दो लाइन, तीन तीन लाइन का कोड होता है किसी एक मेथड में. अब देख लेते हैं कोड्स को कैसे वर्क कर रहा है. अब देखिए, इनिशियल इनिट फंक्शन है हमारे पास, जो स्पेशल मेथड्स होते हैं पाइथन में, आपने हूप में पढ़े होंगे ये. फिर हमने ना ये एक लिस्ट बना दी है, उस लिस्ट के बेस पे चेक करते हैं एमपीटी में क्या है कि अगर हमारे पास ये लिस्ट नल है, यानी इसमें कुछ पड़ा नहीं है, नन है, तो ये क्या करेगा, ट्रू प्रिंट कर देगा, यानी इसमें कुछ भी नहीं है, यानी इसमें कुछ डेटा होगा तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, यानी इसमें कंटेन कर रहा है कुछ डेटा. फिर आता है इन क्यू, इन क्यू मीन्स उसमें ऐड करें. आप देखिए अपेंड क्या करता है, उस चीज़ को ऐड करता जा रहा है, यानी किसी चीज़ को आप दूसरे चीज़ में, यानी जो आइटम हो या कुछ भी हो, आप उसको यहाँ ऐड कर लोगे. फिर उसके बाद हमने डी क्यू पढ़ी थी. डी क्यू क्या था, डी क्यू में देख लें हमने क्या किया कि लास्ट एलिमेंट, यानी जो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्यू में था, उसी को डी क्यू करेगा. पॉप क्या करता है कि वो क्या करता है, लास्ट एलिमेंट, यानी ये हमारे पास एक लिस्ट का बिल्ट इन मेथड है पॉप, यानी वो क्या करेगा, हमने जीरो उसमें पास कर दिया. जीरो मीन्स इंडेक्सिंग बेस पे, जो फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा है उस चीज़ को वो पॉप करके दे देगा हमें, यानी उस चीज़ को वहाँ से रिमूव कर देगा, डिलीट कर देगा. उसके बाद टॉप मोस्ट, टॉप यानी टॉप क्या करता था, टॉप यानी फर्स्ट एलिमेंट जो हमने लास्ट में डाला था वही चीज दिखाएगा कि क्या चीज है. उसके बाद साइज, यानी आप क्यू की साइज देखना चाहते हो, साइज क्यू की कितनी है, जैसे लेंथ मेथड है हमारे पास, उसके बेस पे हमने इस क्यू की साइज देख रहे हैं. उसके बाद है क्यू प्रिंट करें, फिर सॉरी स्टेक क्यू, क्यू को प्रिंट करें. उस क्यू के बेस पे ही हमने यहाँ प्रिंट मेथड बनाया हुआ है इस चीज़ का. सॉरी यहाँ मैंने ना कोडिंग में थोड़ी गलती कर दी है कि इसको ना स्टेक ना बनाता कि क्यू, इस चीज़ को भी मैं यहाँ क्यू कर लेता हूँ कि यहाँ मैंने ना प्रिंट मेथड बनाया था. प्रिंट मेथड बेसिकली क्या करेगा, जो क्यू में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे पढ़े. आप देखें कि जो हमने ना पहले बात की थी हमारे पास होमोजीनियस जो डेटा से होते हैं और नॉन होमोजीनियस, वही चीज़. अब देखिए यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, इन क्यू कर रहा हूँ कि लिस्ट, यानी इसमें मैंने लिस्ट पास कर रहा हूँ पूरा. फिर उसके बाद ना एक स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैंने ना एक डिक्शनरी पास कर देता हूँ, फिर भी मैंने उसके बाद फिर से एक वर्ड पास करता हूँ, फिर उसके बाद मैंने दूसरा, फिर उसके बाद मैंने इंटीजर पास कर दी, फिर फ्लोट पास कर दिया, फिर उसके बाद उस चीज़ को यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ. देखें ये सेम चीज़. अब देखें कि वर्क कैसे करा है. जैसे कि हमने बोला है कि इन क्यू क्या करता है, डिलीट कर देता है किसी चीज़ को, यानी वहाँ से उस चीज़ को डिलीट कर देता है, यानी जो फर्स्ट वाला चीज़ होगा वो वाली चीज़ को डिलीट कर देगा. अब इसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ कि अब हमारे पास ये क्या प्रिंट कर लेगा, क्योंकि अब हमारे पास ये रिटर्न कर रहा है. अब इसे मैं रन कर रहा हूँ. अब देखिए हमने क्या रिटर्न कर दी, फर्स्ट इंडेक्स पे अब हमारे पास ये चीज़ था, यानी फर्स्ट हमने इसमें डाला था यही चीज़, फिर इसने यही चीज़ रिटर्न करके दी है. ये चीज़ बाद में जो जो बच रहा था वो सेम एक सेम क्यू वाले कंटेनर में रख दिया, फिर हमें वो प्रिंट करके दिया. अब देखिए हमने यहाँ टॉप कर दिया है, अब टॉप को वहीं पर प्रिंट कर लेते थे उसको. इसके लिए हमने प्रिंट मेथड में रखा है इसको, जस्ट हमने टॉप को ही कॉल कर दिया इस क्यू के बेस पे, फिर वो उस चीज़ के टॉप में जो भी एलिमेंट होगा टॉप. फिर उसके बाद अगर देखा जाए कि ये हमने पॉप कर दी थी, यानी डी क्यू कर दी थी, अब हमारे पास हेलो आ रहा है. हेलो हमारे पास टॉप वैल्यू हो जाता है, जो सेकंड वैल्यू था हमारे पास क्यू में वो प्रिंट कर रहा है. ये सेम सिंपल सा सिंपल मेथड है. इसमें इस कोड में किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लें, नहीं तो हम कोड ट्री का कोड डिस्कस करेंगे. अब आते हैं ट्री की कोड पे. ट्री जैसे हमने पहले ही बोला ट्री कैसे काम करेगा, ये बाइनरी सर्च ट्री है. बाइनरी सर्च ट्री क्या करता है, जो भी आप नोड इंसर्ट करें वो चेक कर रहा है उस चीज़ को पहले, कि वो चीज़ जो नोड है वो पहले हम रूट नोड स्टोर करते हैं, रूट नोड से वो ग्रेटर है तो वो राइट पे चला जाएगा, अगर यानी लेस है तो वो लेफ्ट पे चला जाएगा. ये हमने यहाँ क्या रखा दिया है, एक एल्गोरिथम अप्लाई की है जो मैंने अभी बताया कि चेक करा है कि आपके पास वो ट्री की डेटा, जो अब हमारे पास वो डेटा आ रहा है, क्या वो डेटा हमारे रूट नोड से ग्रेटर है तो आप उसको ऐड कर दें उसकी ना राइट साइड पे.
अगर वो जो रूट नोड से कम है, वो डेटा जो भी आ रहा है हमारे पास कम है, तो उसको आप लेफ्ट नोड में स्टोर कर दें, यानी लेफ्ट चाइल्ड में उस चीज़ को स्टोर कर दें। अब देख लें, ये हमारे पास था एड नोड का, यानी हमने एक एक क्यू का सॉरी इसका बाइनरी ट्री की वैल्यू एड कर दिया उसमें। फिर आते हैं फाइंड, यानी आप चीज़ को फाइंड करना चाहते हो कि क्या चीज़ अब हमारे पास क्यू में क्या क्या स्टोर है, उस चीज़ को फाइंड करना चाहते हो, जो भी चीज़ हो उसको फाइंड कर सकते हो। फिर अब हमने कुछ हाइट की बात की थी कि क्यू की सॉरी ट्री की हाइट कैसे देखा जाए, फिर नोड की हाइट कैसे देखा, कोई नोड हो उस नोड की हाइट कैसे चेक करें, ये हाइट मेथड है। फिर ट्रेवर्सल की बात किया जाए, ट्रेवर्सिंग कैसे कर रहे थे अब हमारे पास, पहले भी मैंने पहला में बताया था कि हमारे पास तीन चार किस्म के ट्रेवर्स होते हैं। लेवल आर्डर, लेवल आर्डर बेसिकली क्या करता है, आपके पास लेवल बाय लेवल जाता है, एक लेवल गया फिर दूसरे लेवल फिर तीसरे लेवल, ऐसे मूवमेंट यानी मूव करता जाएगा, ये प्रिंट करता जाएगा, ये लेवल बाय इसका एक मेथड यहाँ कॉल कर रहा हूँ, ये इसमें काम कर रहा है। फिर आता है इन ऑर्डर, इन ऑर्डर में हमने क्या बोला है कि अब हमारे पास फर्स्ट जो यानी ट्रैवर्स करेंगे चीज़ को, तो वो हमारे पास लेफ्ट होगा, फिर रूट होगा, फिर राइट होगा, उसी चीज़ को हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं जो हमने ना थ्योरी में पढ़ा था, ये सेम चीज़। अब पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में भी वही चीज़ कर रहे हैं कि हमने जो पढ़ा था पोस्ट में क्या होता था कि रूट यानी पोस्ट जो यानी लास्ट में रूट होगा, पहले होगा लेफ्ट, उस लेफ्ट होगा फिर राइट चाइल्ड, फिर राइट चाइल्ड के बाद रूट को ट्रैवर्स करेंगे। फिर आए थे प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल को अब यहाँ देख रहे हैं कि प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल कैसे वर्क कर रहा है। फिर उसके बाद हमने ना देख रहे हैं कि मैक्सिमम नोड मिनिमम नोड कौन सा है हमारे पास ट्री में। अब दूसरा, यहाँ मैंने ना एक जस्ट सिंपल एक मेथड बनाया है बिल्ड ट्री। आप इसमें क्या करेंगे, जस्ट कोई भी यानी लिस्ट पास कर देंगे या टपल पास कर देंगे, या क्या करेगा उस चीज़ को, उस चीज़ को वहाँ से जस्ट ट्री में कन्वर्ट कर देगा। अगर देखें कि मैं इस चीज़ को मैं रन कर रहा हूँ, फिर मैं इसको एक एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ आपको। अब देखें जो मैंने ट्री बनाया, ट्री को अब ट्रेवर्सल क्या कर रहा हूँ, लाइन बाय लाइन ट्रेवर्सल। लाइन बाय लाइन ट्रेवर्सल कैसे होता है कि आपने फर्स्ट एक ट्री बनाया, नोड बनाया, अब देखिए ये रूट नोड हो जाएगा उसका, फिर उसके बाद ये चेक करेगा 30 क्या करेगा, रूट नोड से वो लेस है या ग्रेटर है, अगर लेस है तो वो लेफ्ट पे चला जाएगा, अगर राइट है सॉरी ग्रेटर है तो वो राइट पे चला जाएगा, ये ऐसे स्टोर होते जाएंगे। अब देखिए रूट बार यानी ट्रेवर्सल, लेवल ट्रेवर्सल क्या करता है, फर्स्ट रूट को ट्रेवर्स करता है, उसके बाद रूट के नीचे आता है, उस लेवल को पूरा का पूरा लेवल जो भी है उस लेवल को ट्रेवर्स करा है, फिर उसके बाद निचले वाले हिस्से पे आ जाएगा जो उस चीज़ को ट्रैवर्स करेगा, यानी ट्रैवर्सिंग कर सकते हो आप प्री पोस्ट इन ऑर्डर। ये था अब हमारे पास ट्री। अब इस चीज़ को देख लेते हैं बिल्ड वाला कि बिल्ड क्या चीज़ करता है। अब देखिए मैं इसमें ना एक ट्री बना लेता हूँ, ट्री बिल्ड। उसके बाद ये हो रहा है कि अब इसमें ना पैरामीटर में एक पैरामीटर पास कर देता हूँ कि जो जैसे कि मैंने बोला लिस्ट पास कर दिया कुछ। अब देखिए ये लिस्ट मैं जस्ट लिस्ट पास कर देता हूँ। अब देखें इस चीज़ को कि मैंने ना लिस्ट पास कर दिया इसमें कि अब लिस्ट के बेस पे वो उस चीज़ को एज अ ट्री में रखेगा, यानी ट्री सिंपल नहीं बाइनरी सर्च ट्री, फर्स्ट एलिमेंट देखेगा, फर्स्ट के बाद सेकंड में देखेगा, फिर उस चीज़ों को ऐसे स्टोर करता जाएगा कि जितने भी चीज़ अब हमारे पास आ रहे हैं। मैंने ये 5 यहाँ रख दी है, उसके बाद कुछ चीज़ों को और भी इंक्रीज कर रहे हैं। अब देखें 10 रख दी है, 55 रख दिया। अब इसके बाद फिर से हम ट्रैवर्स कर रहे हैं लेवल ट्रैवर्स, ताकि पता चले कि लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या चीज़ होता है। देखिए मैं इस चीज़ को यहाँ से प्रिंट टेक लगा दूँ। अब देखिए सॉरी, अब हमारे पास सॉरी हाँ, अब देखें कि अब इस चीज़ में क्या होता है कि यहाँ क्या हो रहा है कि आपके पास ये क्या कर रहा है कि नोड, तो नोड है आपको यहाँ क्या करेगा, जो ट्री बना रहे हो जस्ट आप फर्स्ट टाइम उस चीज़ को पास करके, तब क्योंकि बाइनरी ट्री जो भी एलिमेंट होगा तभी वो चीज़ वर्क करेगा, ऐड कर देगा उस नोड को उस बेस पे, जस्ट आप लिस्ट पास कर देंगे और लिस्ट में वो काम करेगा इस चीज़ में। यहाँ अगर देखें कि ये भी काम कर रहा है, अब देखें ये अब हमारे पास रिटर्न कर रहा है, यहाँ आप इसको फर्स्ट में रखते हैं या कहीं भी रखते हैं, आप जस्ट नोड यानी ट्री की एक वैल्यू बना रहे हैं उसके बेस पे। अब देखिए मैंने ये ए में स्टोर कर दिया है, अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ इस चीज़ को ए में। अब हमारे पास ये ए क्या हो रहा है कि ए हमारे पास एक ट्री रिटर्न हो रहा है, यानी ए हमारे पास एक ट्री है। अब मैं इस चीज़ को
इसको मैं रन करूँगा, फिर रन हो रहा है। अब हमारे पास ये आउटपुट तो इसको देनी चाहिए थी, ट्री ट्रेवल सर, सॉरी सॉरी मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ। अब मैं इसको ए दे देता हूँ। अब देखें, तो यहाँ गलती कर रहा था ट्राइवर्स सर, कर रहा था क्या, ट्री को कर रहा था जो मैंने ट्री पहले बनाया। अब मैं उस ट्री को ट्राइवर्स नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने न्यू ट्री बनाया है, यानी एक पूरा का पूरा लिस्ट उसमें असाइन कर दिया इस चीज़ को, क्योंकि ये बिल्ड बिल्ड ट्री क्या कर रहा है, एक नया ट्री आपको क्रिएट करके दे रहा है। जस्ट आप क्या करते हो, एक लिस्ट पास कर देते हो, जस्ट ये नहीं कर देते एड नोड करते समेत कितना टाइम लग सकता है, उस बेस पे आप कौन से भी एल्गोरिथम इसमें अप्लाई कर सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू, कुछ भी कर सकते हो इस चीज़ पे। किसी का कोई सवाल हो इस पे तो पूछ लें। अब देखें कि आपने ट्री वैसे ट्री को भी यूज़ करते हैं डिसीजन ट्री में, मशीन लर्निंग में या डीप लर्निंग में। फिर उसके बाद ग्राफ आ जाता है, ग्राफ की बेस पे कुछ यूजेज हैं इस पे, कुछ यूजेज कुछ होंगे इसमें, शायद मैंने कभी यूज़ नहीं किया। मैं अगर देखा जाए कि ट्री को हमने यूज़ की है मशीन लर्निंग के कोई भी मॉडल बनाने में, या आप डिक्शनरी कर लें डिक्शनरी के बेस पे या लिस्ट के बेस पे, वो चीज़ें हमने की हुई हैं, बाकी कभी यूज़ मैंने नहीं किया है ग्राफ और स्टैक को। ये सही बोल रहे हैं आप, ना ग्राफ मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, सॉरी ग्राफ और हमारे पास जो आता है। अब देखें जाए ग्राफ की बात किया जाए, ग्राफ की कोड की, तो अब देखें कोड हमने क्या कहा था कि हमारे पास वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स क्या होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, यानी जो वर्टेक्स में आपने वैल्यू रखती है वो कनेक्टेड दूसरे, यानी जो वैल्यू हमारे पास आ रहा है। अब देखें उस चीज़ को, पहले हमने एक स्पेशल मेथड बना लिए हैं दो, फिर उसके बाद इसकी ना एड वर्टेक्स, फिर उसकी ना एज ऐड कर रहे हैं कि कौन सी एज किस वर्टेक्स को देना है, फिर उसके बाद कनेक्शन चेक कर रहे हैं कि अब उसके पास हमारे पास कनेक्शन क्या बनता है जो हमने ग्राफ बनाए। अब देखिए हमने 1 2 3 4 5 रख दिया। अब देखिए ये अब हमारे पास ये वर्टेक्स बन गए हैं, यानी उसके बेस पे हमें कनेक्शन देना है। अब देखें कि अब मैं कनेक्शन इसमें क्या दे रहा हूँ, एज कर, एज जो है ये कनेक्शन देता है आपस में दो नोड को। फिर देखें कि 0 0 को मैं कनेक्ट करता हूँ 1 से, फिर मैं करता हूँ फिर से 0 को कनेक्ट करता हूँ 2 से, फिर 1 को कनेक्ट करता हूँ 2 से, फिर 0 को कनेक्ट करता हूँ 3 से। अब देखें अब हमारे पास ये ग्राफ कौन सा है, वर्टे, यानी इसमें क्या होता है कि अनडायरेक्टेड ग्राफ है। अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या करता है, आपने जस्ट इस चीज़ को पॉइंट कर दिया कि ये 1 को भी पॉइंट कर रहा है, डायरेक्टेड कर रहा है, और 0 को भी डायरेक्ट कर रहा है। अब देखें हम चीज़ों को प्रिंट यहाँ करें कि अब हमने ना ये एक डिक्शनरी यूज़ किया है, यहाँ डिक्शनरी में क्या कर दिया है कि अब 0 फर्स्ट रख दिया, यानी वर्टेक्स एक डिक्शनरी के की में आ जाते हैं, फिर उसकी वैल्यू हमारे पास एक लिस्ट में। अब देखें ये मैंने पहले ही बताया कि हम इम्प्लीमेंट ग्राफ को थोड़ा एजेंसी लिस्ट के बेस पे कर रहे हैं, तो उस बेस पे हम इसे यूज़ करें। अब देखिए एक लिस्ट के यानी डिक्शनरी के अंदर जो उसकी वैल्यू है, वैल्यू हमारे पास एक लिस्ट आ जाता है, जितने कनेक्शन उस चीज़ में होंगे वो सारे कनेक्शन बता रहे हैं। अब देखिए हम फिर उसके बाद हमने ना कनेक्शन देखी है कि कनेक्शन कैसे प्रिंट हो रहे हैं। अब देखिए कि हमने क्या किया था कि 0 को कनेक्शन दिया था 1 2 3 का, आप देख लेते हैं 0 को हमने कितने कनेक्शन दिए थे, 1 का कनेक्शन भी दिया था 0 को, 0 को 2 का भी कनेक्शन दिया था, 0 को 3 का भी कनेक्शन दिया था। अब देखिए ये सेम चीज़ यहाँ प्रिंट कर रहा है। फिर आते हैं इस 1 पे, अब देखें ये हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ था कि अब 1 की बात किया जाए, 1 तो हमने जस्ट इसमें असाइन कर दिया 2 को, तो फिर 0 कहाँ से आ रहा है, कि मैंने पहले ही बताया था कि अनडायरेक्टेड ग्राफ है, क्या कर रहा है, जो आप यानी इस 1 को डायरेक्टेड किया था 0 को, तो वो उसे भी कंसीडर करता है कि 0 भी 1 को पॉइंट कर रहा है, उस बेस पे ये चीज़ें ऐसे उठा के आ रहा है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लें। ठीक है, अगर किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लें। यहाँ तक ग्राफ में ट्री के कोड पे या क्यू के कोड पे, मैश ग्रिड। अब देखें कि इसमें तो बहुत सारे ही अल्गोरिथम होते हैं जो आप ट्री के बेस पे मशीन लर्निंग में कौन से भी अप्लाई कर सकते हो, यानी ग्राफ तो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया इतना, इसका कोई यूजेज मुझे पता नहीं है, मे बी होगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, नहीं तो मैंने ना कोड गिटहब पे अपलोड की हुई है, मैंने आपको पहले ही गिटहब का मैंने ना शेयर कर दिया है गूगल क्लास गूगल रूम पे, तो अब देखें
गिटहब से भी आप कोड पूरा का पूरा जितने भी कोड किए हैं वो सारे गिटहब पे अवेलेबल है। अगर कोई कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे तो मेरा ईमेल है, प्रोफाइल है, लिंक्डइन का FB प्रोफाइल है। ठीक है अली रज़ा, सही बोल रहे हैं आप, यूज़ कर सकते हैं ग्राफ को। ये आपने अच्छा सा एग्जांपल देखा है कि आपके पास माइंड में आया था कि ग्राफ के बेस पे गूगल मैप को ये ग्राफ के बेस पे हम अप्लाई कर सकते हैं इसमें। सही है, ML के एल्गोरिथम आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप एल्गोरिथम करते हो कि आपके पास ना लेबल डेटा होता है, सॉरी लेबल डेटा होता है कि डिस्टेंस के बेस पे यानी सिटी के डिस्टेंस पे उस बेस पे वो डिस्टेंस आउट करता है, मे बी इसमें यूज हो सकता है। हाँ ठीक है, वो आप जियो स्पेक्ट्रल पढ़ लें, फिर भी फेलियर में वही चीज़ें यूज़ कर सकते हो उसमें। अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो जो होस्ट हैं, ओवर टू होस्ट। गाइज इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप लोग अपना क्वेश्चन जो है चैट में ड्रॉप कर सकते हैं, स्पीकर हमारे मौजूद हैं। फर्स्ट डे से लेकर ये जितना भी है आपको जो भी सवाल है वो आप पूछ सकते हैं, बिकॉज कल से हम जो है वो मशीन लर्निंग की तरफ स्विच होंगे। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी एनी क्वेश्चन ड्रॉप योर क्वेश्चन। गाइज आप लोगों को ये है कि आप ना जो ये टास्क हैं ना असाइनमेंट वो कर लें। अब देखिए ना इस डे पे मैंने ना एक ही असाइनमेंट दी है, जो फर्स्ट डे पता उसमें दो असाइनमेंट सिंपल से थे, इसमें उनको थोड़ा बताया था कि कैसे यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए ये इसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ ये एक ही मेथड बनाना है, आपके पास कोड अवेलेबल है, मैंने गिटहब की रिपोजिटरी अपलोड कर दी थी है, अपडेट कर दिया वहाँ, आप वहाँ से कोड को गेट कर सकते हो। जस्ट आप क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे जो मर्ज करेगा दो बाइनरी ट्रीज आपके पास होंगे, उन चीजों को वो मर्ज कर देगा। यही असाइनमेंट है, सिंपल ही है। अगर कोई सवाल नहीं है तो ठीक है, आप क्विज स्टार्ट कर लें। गाइस वी आर ड्रॉपिंग अ फीडबैक फॉर्म, सो आप लोग सब उसको फिल कर दीजिए ताकि फिर हम अपना कोई सेशन की तरफ चलें। और आप लोगों को यूट्यूब आपको फीडबैक फॉर्म के लिंक दे दिया गया है चैट में, आप लोग फिल कीजिए। और साथ साथ ये भी बताना था कि हम लोग यूट्यूब पे जितना जल्दी हो सके वीडियोस अपलोड करते जा रहे हैं आप लोगों की आसानी के लिए, तो आप लोग वहाँ पर भी एक्सेस कर सकते हो और फीडबैक फॉर्म फिल कीजिए ताकि हम लोग अपने कोई सेशन की तरफ चल सकें। और आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, चाहे वो असाइनमेंट से रिलेटेड हो या फिर सेशन से रिलेटेड हो, हमारे पास स्पीकर बैठे हुए हैं, वो गाइड जरूर करेंगे। फीडबैक फॉर्म का लिंक ड्रॉप कर दिया गया है, बार बार रिमाइंड करवाया जा रहा है, फीडबैक फॉर्म फिल कीजिए, RSVP कीजिए ताकि अगर आप लोग क्विज अटैम्प करते हैं तो आपकी RSVP के थ्रू आपका वो काउंट हो सके, वरना अगर आप क्विज अटैम्प करते हैं और RSVP नहीं करते तो आप लोगों का क्विज का रिजल्ट कोई यूजफुल नहीं रहेगा। तो RSVP ज़रूर कीजिए, फीडबैक फॉर्म फिल कीजिए ताकि हम अपने क्विज सेशन की तरफ चलें। ओके अब सब 5 मिनट्स वेट कीजिए ताकि बाकियों का भी
फीडबैक फॉर्म फिल हो जाए तो हम क्विज लिंक ड्रॉप करेंगे यहाँ पे। 8:55 पर जो है हम अपना क्विज स्टार्ट कर देंगे। चलें, जब तक हम क्विज का लिंक ड्रॉप कर दिया गया है आप लोगों को, आप लोग ज्वाइन कीजिए क्विज को। और साथ साथ आज हमारे जो स्पीकर हैं उनका डे ख़त्म होता है, तो गिव अस अ क्विक रिस्पॉन्स के हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद सर अब्दुल जब्बार। और गाइस, आज क्विज में दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको मल्टीपल करेक्ट आंसर्स चूज करने हैं। दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आप मल्टीपल चॉइसेस कर सकते हैं, ठीक है।